गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 में पढ़ेंगे एसएसटी। आप अपनी बुक निकालिए, लेसन नंबर 50, पेज नंबर 80, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। लेसन का नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट यानी कार, स्कूटर, जिसपे हम इधर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कम्युनिकेशन यानी आपके टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, जिससे हम एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं। वी ऑल नीड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यू कम टू स्कूल फ्रॉम होम एवरी डे। पीपल ट्रेवल्स फॉर वर्क। समटाइम्स वी ऑल्सो ट्रेवल फॉर फन। फॉर इंस्टेंस गोइंग ऑन हॉलीडेज विद अवर फैमिली। कभी कभी हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, स्कूल आने के लिए, रोज स्कूल आने के लिए और वर्क पर जाने के लिए भी ट्रैवल करना पड़ता है। कभी कभी हम घूमने के लिए जाते हैं, हम हॉलीडेज बनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ जाते हैं। हाउ डू वी ट्रैवल टू अदर प्लेसेस। हम दूसरी जगह पर जब ट्रैवल करते हैं अदर प्लेसेस पर, तो कैसे करते हैं। वी यूज डिफरेंट व्हीकल्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस। हम जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो हम डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल यूज करते हैं। नेम द व्हीकल्स यू वुड यूज इफ यू वर गोइंग टू द लोकल मार्केट। अगर आप अपने यहाँ पे लोकल मार्केट में कहीं भी जा रहे हैं, द लोकल मार्केट में अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो, तो आप कैसे जाओगे? या तो बाय फुट वॉकिंग करोगे या तो कैसे जाओगे? ऑटो पे। कैसे जाएंगे हम? ऑटो पे। कोई ऑटो में जाएगा, कोई कार पे जाएगा, ओके। और अगर आपको अनदर सिटी में जाना है, मतलब अपनी कंट्री, अनदर कंट्री में जाना है, अपनी कंट्री कैरी।
लाइक ट्रक्स बसेज एंड कार कैन गो राइट टू द डोर स्टेप्स। ये जो ट्रेन है, ये जो व्हीकल्स है, ट्रक्स वगैरह, ये हमारे बिल्कुल दरवाजे पे, डोर स्टेप्स पे, मतलब आपका सामान जो कार है कैन गो राइट टू द डोर स्टेप्स। ये जो है मतलब ट्रेन को छोड़ के जो बाकी व्हीकल्स हैं ये आपके घर के बहुत ही पास जाते हैं। देयर कैन ऑल्सो रीच प्लेस वेयर इज डिफिकल्ट टू मेक रेलवे ट्रैक। और ये रेलवे ट्रैक, रेलवे जो जो ट्रेन होती है ओनली रेलवे ट्रैक पर चलती है, लेकिन ये जो है आपको आपकी जगह के बहुत करीब उतार देते हैं। ऑल दीज व्हीकल्स हैव इंजन्स विच हेल्प देम टू मूव। और इन सबको व्हीकल्स को चलने के लिए क्या चाहिए? इंजन, जिससे कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। सब व्हीकल्स डू नॉट हैव इंजन, और कुछ व्हीकल्स को इंजन नहीं चाहिए होता। दे आर पुल्ड बाय लिविंग बींग, जो कि कुछ लोग उसको खींचते हैं। लिविंग बींग, सॉरी, लोग नहीं, एनिमल्स। सम एग्जाम्पल्स आर द साइकिल रिक्शा, साइकिल रिक्शा को पीपल चलाते हैं, द बुलक कार्ट एंड द टांगा। और जो बुलक कार्ट और टांगा होता है उसको भी एनिमल्स के साथ साथ पीपल पीछे बैठते हैं, लेकिन एनिमल उनको चलाते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं? जो कि हवा में ऊपर उड़ते हैं। ओके, द फास्टेस्ट वे टू ट्रैवल इज बाय एयर। अगर आपको जल्दी ही ट्रैवल करना है तो आप एयर से ट्रैवल कर सकते हैं। लार्ज एयरक्राफ्ट कैन टेक अस फ्रॉम वन कॉर्नर टू द वर्ल्ड टू द अनदर विद इन अ फ्यू आवर्स। जो एयर ट्रांसपोर्ट है, एयरक्राफ्ट है, वो हमें एक जगह से दूसरी जगह वर्ल्ड के कोने में बहुत ही कुछ घंटों में पहुंचा देते हैं। दे कैन कैरी हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इन अ शॉर्ट टाइम। और उसमें एरोप्लेन जो एयरक्राफ्ट होता है उसके अंदर हंड्रेड से ज़्यादा पैसेंजर आ जाते हैं और सामान भी आ जाता है, और बहुत छोटे टाइम में वो हमें बहुत दूर तक डिस्टेंस तक पहुँचा देते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज ए चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हैवी गुड्स आर जनरली ट्रांसपोर्टेड बाई सी। बहुत चीप मीन्स है, मतलब ट्रांसपोर्ट का बहुत इजी सस्ता सा तरीका है, जो कि हमारे सामान को बाय सी यानी समुद्र में जो जहाज चलते हैं, शिप्स, बोट्स चलती हैं, उनके थ्रू सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। द प्लेस वेयर पैसेंजर्स एंड गुड्स आर लोडेड एंड अंडर अनलोडेड इज नॉन एज अ पोर्ट। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज। ज़्यादातर इंडिया के मतलब ज़्यादातर एरियों में, पार्ट्स में, ये थ्री टाइप्स के ट्रांसपोर्ट यूज किए जाते हैं। वेयर देयर आर हाई माउंटेन्स, थिक जंगल्स और वाइड रिवर्स, इट इज द सेफेस्ट टू ट्रेवल बाई एयर। और लेकिन जो ये ऊँचे ऊँचे पहाड़ होते हैं और ये बड़े बड़े जंगल होते हैं, भारी भारी और रिवर्स होते हैं, इन में किस में सेफ रहता है ट्रैवल करना? एयर में। इन डेजर्ट कैमल आर द बेस्ट मीन ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। और अगर डेजर्ट एरिया में आप जा रहे हो तो आपको कौन सा लैंड ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए? कैमल जो है उसके लिए बेस्ट है। पीपल आर इन्वेंटिंग न्यू नेवर वेज ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ पीपल कैन ट्रैवल टू स्पेस इन रॉकेट्स एंड स्पेस क्राफ्ट। कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स, टू एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इंडिया, ऑर्गेन ट्रैवल टू स्पेस। जो हमारे देश में कल्पना चावला का आपने नाम सुना, सुनीता का, वो स्पेस क्राफ्ट वो जो है ट्रैवल करके गई थी कहाँ पे? स्पेस पे। डू एनी ऑफ यू वांट टू एक्सप्लोर स्पेस? कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, एक दूसरे के साथ बात करने का जरिया। व्हेन वी टॉक और राइट टू समवन दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। वी शेयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स विद अदर, थॉट कम्युनिकेशन। हम अगर कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ लिख के किसी को कुछ भेजते हैं, तो वो क्या जरिया होता है? कम्युनिकेशन का, जिससे हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन, आइडियाज जो है हम एक दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज थ्रू लिसनिंग एंड स्पीकिंग, बट रिमेंबर वी कैन टॉक इवन विदाउट यूजिंग वर्ड्स।
दोनों बाय रोड बाय एयर और बाय सी पहुंचाई जाती हैं। ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन लेटर्स आर वंस अगेन कलेक्टेड एंड सॉर्टेड एट द पोस्ट ऑफिस देन द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स टू द पीपल दैट दे वर सेंट टू। और उसके बाद जो है वो पोस्टमैन लेटर्स लेके जाता है वो उन तक पहुंचाता है जिनकी वो लेटर्स खुद ये डिलीवर करता है। व्हेन सेंडिंग अ लेटर द नेम एंड एड्रेस मस्ट बी रिटन वेरी क्लियरली। तो जो लेटर हम भेजते हैं उसके ऊपर हम क्लियरली जिसको मेन नंबर का नाम और एड्रेस लिखते हैं पिन कोड लिखते हैं जिससे कि आपकी लेटर टाइम पे हो जाए। नाउ अ डे कोरियर सर्विस आर बीइंग यूज्ड टू सेंड अर्जेंट और इम्पोर्टेंट लेटर्स एंड पार्सल। हाउएवर दीज सर्विस आर एक्सपेंसिव। लेकिन आजकल क्या है कोरियर सर्विस चल पड़ी है जो कि महंगी भी है और जल्द से जल्द आपके अर्जेंट पार्सल्स जो होती है और लेटर्स होती है वो एक दूसरे तक पहुँचा देती है। तो आपको समझ में आया कि हमने आधा लेसन पढ़ाया, बाकी हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। इसमें हमने क्या पढ़ा है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हमने कम्युनिकेशन का कौन सा मेथड आज पढ़ा है, पोस्टल सिस्टम। तो पोस्टल सिस्टम में क्या है, लेटर्स ड्रॉप करना। अब आप जो है अपनी नोटबुक में ये फोर फिंगर टेक्स लिखोगे एंड होमवर्क में और पोस्ट सॉरी आ लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स बनाओगे आप बड़ा सा, ओके, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 82 में बना हुआ है। इसको ड्रॉ करना है आपको अपनी कॉपी में, आपको